नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस नई भर्ती 2018 के बारे में बात करेंगे, जिसमें 56,880 पदों पर नई भर्ती के लिए एक न्यूज़ जारी हुई है, जो कि योगी सरकार का तोहफा है। जैसा कि वादा किया था योगी सरकार ने कि हर साल हम कम से कम 50,000 पदों पर भर्ती निकालेंगे, तो उसी के मुताबिक जो आपकी न्यूज़ जारी हुई है 56,880 पदों पर, तो पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं कि क्या बताया गया है। दोस्तों, मैं अनएकेडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनएकेडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनएकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। जो लोग यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के री एग्जाम की तैयारी बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में करना चाहते हैं, तो आप मुझे अनएकेडमी पर अभी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे कोर्स लाता हूँ। ये लिखा है दोस्तों कि पुलिस में होंगी 56,880 पदों पर भर्तियां, योगी सरकार ने दिया दशहरे का तोहफा, 1 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया, जुलाई तक होगी संपन्न, यानी जुलाई 2019 तक आपकी संपन्न होगी। 51,216 सिपाहियों के लिए और 30 नवंबर तक आवेदन होंगे। कब तक दोस्तों? 30 नवंबर तक आपके आवेदन होंगे। फायरमैन के 1924 पद और ऑनलाइन परीक्षा 10 जनवरी को, कब दोस्तों? 10 जनवरी को होने की संभावना है। ठीक है, अब पूरे पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। योगी सरकार ने दशहरे का तोहफा देते हुए पुलिस में 56,880 पदों पर भर्ती का कार्यक्रम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया है। सिपाही, बंदी, रक्षक, फायरमैन के लिए भर्ती 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष जुलाई तक अंत तक चलेगी। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि DGP की ओर से यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया गया है और 2018 में अर्हता से बाहर वालों को भी मौका, यानी कि प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि सरकार ने वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हर वर्ष 30,000 सिपाहियों की भर्ती होगी। वर्ष 2017 में कोई भर्ती नहीं हुई, इसलिए ऐसे विद्यार्थी 2017 में अर्हता पूरी कर रहे थे और उन्हें 2018 में बाहर हो गए हैं, उन्हें इस भर्ती में मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की नई भर्ती आ गई होंगी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि पिछली भर्ती को तो ये कंप्लीट करवा नहीं पाए, अब नई भर्ती आ गई है। तो दोस्तों, पिछली भर्ती का जो आपका री एग्ज़ाम है 26 अक्टूबर को हो रहा है, ठीक है। अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं तो आप तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपके सामने नई भर्ती आई है तो आपको सारा कुछ भूल के केवल नई भर्ती की तरफ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो आपके मौके हैं यही ऐसे मौके हैं जो आपको मिलते हैं, और आप यही सोच के रह जाते हैं कि प्रदेश में तो ये काम हो रहा है कि पेपर लीक हो जाता है। इन सब बातों को आपको दूर कर देना है, आपको अपना बेस्ट देना है। इसलिए जैसे ही फॉर्म ओपन हो, सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, फिर उसकी तैयारी में जुट जाना है, जो कि इंडियन स्टडी चैनल पूरा करवाएगा, जैसा कि अभी करवा रहा है, ठीक है। तो बस आपको सारी बातों को ध्यान में रखना है और सबसे पहले आपका काम है फॉर्म भरना, उसके बाद तैयारी में जुट जाना, ठीक है। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था। जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होंगे तो सबसे पहले आपको इंडियन स्टडी बता देगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।